सुबह की राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो हम आ गए हैं छत पे योगा करने। तो आज मैं दिखाती हूँ मैं कैसे योगा करती हूँ, तो देखिए आप लोग, ठीक है। तो मेरे पतिदेव जो है सूट कर रहे हैं और मैं योगा कर रही हूँ, और आप लोग, मैं नया आविष्कार कर रही हूँ योगा का। अरे वो देखो चिड़ैया बैठी है, कबूतर बैठा है, वो पगला आ गया गिलहरी। तो देखिए ऐसे योगा करते हैं, ऐसे लेट जाते हैं, ठीक है, और ऐसे करके ऐसे बिल्कुल रिलैक्स होके लेट जाते हैं, है ना, और ऐसे लेटे रहते हैं जब मन करता है, ठीक। ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे पैर हिलाना है, ठीक, ऐसे ऐसे पैर हिलाना है लेट के, है जब इधर एक्सरसाइज हो जाए इस वाले पैर की, तो फिर इस तरफ को लेट जाना है। अभी मैं थोड़ी देर इसको करूंगी, इस तरह से हिलाइए, फिर दूसरी तरफ घुमाइए। देखिए भाई, मैंने तो योगा कर लिया है, तो आप लोग भी इसी तरीके से अपने घरों में रहें तो स्वस्थ रहने के उपाय ढूंढें। तो स्वस्थ रहने का उपाय यही है कि अपनी छत पे जाएं, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को कि आप भटकें, ये पार्क ढूंढें, वो पार्क ढूंढें, और कहीं गली मोहल्ले में घूमते रहें, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बढ़िया तरीका होता है अपनी छत पे जाएं, और वहीं पर ही आप जब ब्रह्म मुहूर्त में अगर उग जाते हैं तो और अच्छा है। ब्रह्म मुहूर्त हमारा होता है सुबह 4 बजे से लेके 6 बजे तक, तो जितनी जल्दी आप लोग उठेंगे उतनी जल्दी जो है आप लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होगी। तो मैंने योगा कर लिया है और मेरा जीवन तो सच में बदल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ की हवा जब ताज़ी ताज़ी मिलती ना सुबह की, तो ऐसे लगता है बॉडी को हमारे खुराक मिल गई है, अब कुछ भी शेष नहीं रह गया है। और प्रकृति के साथ जब आप जुड़ते हैं तो आपके जीवन में नए नए द्वार खुलते हैं, और अपने आप सब कुछ ऑटोमेटिक जो है प्रकृति से जुड़ने से, शुद्ध हवा लेने से, पेड़ पौधों के पास जाने से अपने आप सब सही होने लगता है, अच्छा होने लगता है। मैं सच में बिल्कुल सत्य बता रही हूँ, आपको यकीन न हो तो आप लोग करके देखें, पता चल जाएगा आपको, तो ट्राई करें।